हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि ये केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय में 2014 के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? तो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आइए गिवन पार्ट देखें इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को हमने गिवन पार्ट लिखा हुआ है, टाइम लाइन पे बनाया हुआ है, जो जो चीजें हुई है, जो जो ट्रांजेक्शन या इवेंट हुए हैं उन्हें हमने एक टाइम लाइन पे बना रखा है, और बाकी चीजें लिख रखी है आपके। तो क्वेश्चन से ही हमने ये गिवन पार्ट बनाया है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमें कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को हमने क्या किया, हमने परचेज की एक मशीनरी 2,40,000 में, और साथ में 4,000 रुपए उसके कैरेज पर पे किए और 6,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन के लिए पे किए। तो इन टोटेलिटी हमने कितना अमाउंट पे कर दिया, हमने पे कर दिया 2,50,000, ठीक है? 2,50,000 हमने पे किए, क्योंकि ये पहली मशीन थी इसलिए हमने इसका नाम दे दिया M1, ठीक है? किस नाम से डिनोट किया, M1 यानी मशीन 1 हमने परचेज की। उसके थोड़े दिन बाद हमने M2 यानी सेकंड मशीन खरीदी है, किस डेट को, 1 जुलाई 2011, ठीक है? ये हमने एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी, और ये हमने कितने में खरीदी, 75,000 में, और 25,000 रुपए इसके ओवरहॉलिंग यानी रिपेयर वगैरह में खर्च कर दिए। तो ये जब सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं उसे रेडी टू यूज बनाने के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं, चाहे फर्स्ट हैंड मशीन खरीदे हैं उसे रेडी टू यूज बनाने का जो भी खर्चा करते हैं उसे हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं मशीन की कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में, ठीक है? तो यहां पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यहां पर हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी जो कि कैपिटलाइज होगी, 1 लाख हो जाएगी। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि 1 जनवरी 2013 को हमने M1 जो हमारी मशीन थी, जो हमने 1 अप्रैल 2010 को खरीदी थी, उसे बेच दिया, सेल कर दिया एट अ लॉस ऑफ ₹20,000, 20,000 के नुकसान में बेचा। तो हम वहां जाकर देखेंगे नुकसान में बेचा तो कितने रुपए में बेचा होगा, हम जब आएंगे 1 जनवरी 2013 पर उस समय पता लगेगा ये। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन हमें कहता है हमने उसी दिन हमने एक और मशीन खरीद ली जिसका नाम हमने क्या रखा, M3, क्योंकि ये थर्ड मशीन है, हमारे पास पहले से 2 मशीनें हैं। हमने ये मशीन परचेज की, कितने रुपए में परचेज की, 40,000 रुपए में हमने परचेज की। तो ये क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन से। अच्छा, क्वेश्चन ने हमें आगे कुछ और चीजें बताई हैं, जैसे क्वेश्चन ने कहा है कि हमारी जो बुक्स है ना वो हर साल 31 मार्च को क्लोज होती है, एवरी ईयर 31 मार्च को हम बुक्स क्लोज करते हैं। हमें डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है वो एट द रेट 15% पर एनम चार्ज करनी है, और कौन से मेथड से करनी है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, ठीक है? ये मेथड हमने अप्लाई करना है। और आगे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें 3 साल का मशीनरी अकाउंट भी बनाकर दिखाओ। तो टाइम लाइन में मैंने कुछ डेट और डाली है आप लोगों के लिए, जैसे देखिए हमने साल शुरू किया 1 अप्रैल 2010 से, तो खत्म कब तक हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 31/3/11 को। तो 1 ईयर खत्म हो गया, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, फिर हमारा साल दूसरा शुरू होता है 1 अप्रैल 2011 से 31/3/12, ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड ईयर हो गया। और उसके बाद थर्ड ईयर हमारे पास ये बनता है 31/3/12 से 31/3/13, ये तीसरा ईयर बन गया, ठीक है? तो इन तीनों ईयर्स की हमें मशीनरी अकाउंट बनाकर दिखाना है कि किस तरीके से मशीनरी अकाउंट शो होगा। आइए तो स्टार्ट करें मशीनरी अकाउंट को। आप अगर कहें तो मैं आपको एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बता देता हूं। ये लीजिए, देखिए हमारे पास सॉल्यूशन पर आ रहे हैं हम लोग, और सॉल्यूशन में हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाकर दिखा रहे हैं आप लोगों को, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, सालाना मतलब पूरे साल भर की डेप्रिसिएशन कितनी होगी वो हम बता रहे हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स, ऑन मशीन्स के हिसाब से हम, 3 मशीनें हैं हमारे पास, तीनों मशीन की साल भर की डेप्रिसिएशन कितनी होती है वो हम निकाल रहे हैं। हमारे पास M1 है, M2 है, और एक है हमारे पास M3। ये 3 मशीनें हैं, और तीनों मशीनों की वैल्यू बताओ, 2,50,000, 1,00,000 और 40,000। 2,50,000, 1,00,000 और 40,000, ये 3 मशीनरीज की कॉस्ट है। अच्छा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उन्होंने बताया 15% पर एनम, तो पूरे साल का आ जाएगा, 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखिए 2,50,000 का कितना होता है, 25,000, तो 10% के हिसाब से हो जाता है, 25,000 में 12,500 और जोड़ो, तो मुझे बताओ 25,000 में 12,500 और जोड़ोगे तो कितना आएगा, 37,500। ये क्या आ गई हमारी
एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई M1 पर साल भर की। अगर ये मशीन 3 महीने यूज होगी तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 12 × 3 करेंगे एंड सो ऑन। अच्छा M2 की बात करें तो ये हमारे पास आ गया 15,000 रुपए, 15% के हिसाब से 15,000 की एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई। और बात करें अगर हम M3 की, तो M3 40,000 का 10% बनता है हमारे पास 4, और आधा और जोड़ दो 5% के लिए, तो 6,000 रुपए हो गया। आप भी कैलकुलेट कर लो और मुझे बता देना अगर कुछ गलत हो तो। चलिए तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल ली। अब आते हैं मशीनरी अकाउंट पर। आइए मेरे साथ, हमने मशीनरी अकाउंट के लिए फॉर्मेट बना रखा है, इसे यूज करें। ये देखिए हमें एक ही अकाउंट चाहिए तो बाकी अकाउंट चाहिए नहीं, उन्हें मैं हटा देता हूं, हम इसी अकाउंट पर कंसंट्रेट करेंगे। आइए जी मेरे साथ, ये लीजिए हम इसे नाम देते हैं इस अकाउंट को मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। तो सबसे पहली हमारी जो ट्रांजेक्शन हुई है उसकी डेट बताइए, 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ है, मैं डेट कॉलम अलग नहीं बना रहा हूं, यही लिख रहा हूं डेट, आपके पास स्पेस होता है आप अलग से डेट कॉलम बनाएंगे। टू बैंक, हमने बैंक से पेमेंट की, किसके लिए, हमने एक मशीन खरीदी है और मशीन का नाम हमने क्या रख लिया, M1। कितने में खरीदी, 2,50,000 में। मैंने बताया 2,50,000 कैसे आया, 2,40 + 4 + 6 सबको जोड़ दो 2,50,000 रुपए आ गया। आइए जी अब इसमें इस साल और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, आपको मैं टाइमलाइन पर दिखाऊं, इस साल और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, यहां आकर हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आइए डेप्रिसिएशन चार्ज करें 31/3/11 को बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन M1 पर लगा रहे हैं, और हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करके दिखा दिया था कि 2,50,000 पर 15% कितना बनेगा, फिर भी मैं लिख देता हूं, ये लीजिए 15%, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हैं, कितना आ गया 37,500 रुपीज। चलिए हमने डेप्रिसिएशन लगा लिया ईयर एंड पर, अब क्या करें, अब मशीनरी का जो क्लोजिंग बैलेंस बचना चाहिए मशीनरी अकाउंट का वो निकालें। आइए इसी डेट को बाय बैलेंस कैरी डाउन, वैसे तो बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो बट फिर भी मैं बता देता हूं ये निकलेगा कैसे, 2,50,000 में से 37,500 माइनस कर दीजिए। आइए बताइए कितना आएगा, 2,50,000 में 37,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी, 2,12,500, ठीक है 2,12,500 हमारे पास क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन आ गया। आइए इस अकाउंट को क्लोज करें इस ईयर के लिए, दोनों साइड में टोटल कितना आ गया, 2,50,000 आ गया। आइए जी 2,50,000 डेबिट और क्रेडिट साइड पर लिख दिया। अब नेक्स्ट ईयर पर चले, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस लिखें 1/4/11 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आ गया, M1 का है इसलिए M1 डिनोट कर दिया मैंने इसे, 2,12,500 रुपए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस साल में सेकेंड ईयर में देखिए हमने 1/7 यानी 1 जुलाई को एक मशीन और खरीदी है 1,00,000 रुपए की। आइए 1 जुलाई पर चलें, 1 जुलाई 2011 को हमने एक और मशीन खरीदी, टू बैंक, हमने बैंक से पेमेंट की उसे, बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, मशीनरी हमारा डेबिट हो गया। सेकेंड मशीन है इसलिए नाम मैंने क्या दे दिया इसे, M2। कितने में खरीदी, 1,00,000 रुपए में। इसके बाद इस साल में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, ठीक है नहीं हुई है तो ईयर एंड पर चले। आइए ईयर एंड की डेट क्या होगी, 31/3/2012। सबसे पहले डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, और आप वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस दे सकते हैं जैसे मैंने यहां दिया। M1 की बात करें तो M1 की साल भर की डेप्रिसिएशन मुझे पता है कितनी होगी, बताइए, ओहो एक गड़बड़ हो गई ना, ये WDV मेथड था, एक मिनट रुकिए बेटा, इस बार तो हमने ऐसे निकाला, इस बार हम डेप्रिसिएशन इस तरीके से नहीं निकालेंगे, और मैंने जो वर्किंग नोट बनवा दिया ना आपको, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये देखिए हमारे पास ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, ये एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं होगी, हमारी डेप्रिसिएशन इस बार कैसे निकलेगी, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर निकलेगी। तो पहले साल की आप कह सकते हैं, फर्स्ट ईयर की थी, एनुअल ना बोलकर मैं इसे क्या बोलूं, ये फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आप कह सकते थे, वो भी पूरे साल भर की, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं निकालना, हम ओपनिंग बैलेंस पर निकालेंगे, तो हर साल का अलग वर्किंग नोट बनेगा, यहां बनाएं। M2 की बात करें अगर डेप्रिसिएशन में हम, तो पहले M1 की बात करते हैं, M1 का बैलेंस कितना बचा है हमारे पास, M1 का बैलेंस बचा हुआ है 2,12,000 रुपए, तो 2,12,500 रुपए, सॉरी
का 15% निकालो क्योंकि पूरे साल भर रही है मशीन। और M2 की बात करें तो M2 का 1,00,000 रुपए पर 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। बट कितने दिन, ये मशीनरी हमने इस साल 1 जुलाई को खरीदी, यानी 3 महीने बाद अप्रैल मई और जून खत्म हो चुका है। ये मशीन हमने 9 महीने यूज किए, तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे। चलिए मुझे कैलकुलेट करके बताइए, 212,500 का 15% कितना बनेगा, कितना बता रहे हैं, 31,875 रुपए। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास M1 का डेप्रिसिएशन इस साल का। अच्छा M2 पर बताइए, 1,00,000 का वैसे तो 15% 15,000 बनता है, पर हमें केवल 9 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो कितना आएगा, 11,250। ठीक है, 11,250 रुपए आ गया। ठीक है ये, अच्छा इन दोनों का टोटल करो, 31,875 और 11,250, इन दोनों का टोटल करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, कितना बता रहे हैं बेटा, 43,125। ठीक है, 43,125 आ गया हमारे पास डेप्रिसिएशन। अब आते हैं क्लोजिंग बैलेंस पर, साल का अंत हो चुका है, डेप्रिसिएशन लग चुकी है, क्लोजिंग बैलेंस निकालें। आइए बाय बैलेंस कैरेट डाउन, दोनों मशीन का निकालना पड़ेगा, M1 का भी, वैसे बैलेंसिंग फिगर से निकलता तो एक साथ ही निकल जाता, बट हम अलग अलग चाह रहे हैं ताकि हमें हर पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग अमाउंट पता हो कि किसका कितना बैलेंस है, किस पर कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, इजी होगा हमारे लिए। आइए तो 212,500 में से कितना घट गया हमारे पास, 31,875 रुपए घट गया, ये डेप्रिसिएशन घट चुकी। और इधर 1,00,000 में से हमारे पास कितना घट गया अमाउंट, 11,250 रुपए घट चुके हैं हमारे। चलिए तो मुझे बताइए, पहले 212,000 में से 31,875 हटाओ, कितना आ रहा है, 1,80,625। ठीक है, 1,80,625, थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी करो नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा यहां 1,00,000 में से 11,250 गए तो कितना, 88,750 रुपीज। चलिए तो हमने ये टोटल किया, अब इन दोनों का टोटल करें, टोटल बताओ मुझे, 1,80,625 और 88,750 का टोटल कितना होगा। हाँ जी मैं वेट कर रहा हूं, बताइए कितना अमाउंट आ रहा है, कितना बता रहा है, 2,69,375। चलिए जी तो ये हमारे पास टोटल आ गया। अब देखो दोनों साइड को अगर आप टैली करें, क्लोज करें इस ईयर को भी, तो दोनों साइड के टोटल बराबर आने चाहिए हमारे। इधर का तो हमारा बन रहा है 312,500, इधर का भी देखो 269,375 + 43,125, इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है, 312,500। ठीक है, 312,500 हमारे पास क्रेडिट साइड में भी टोटल आ गया। तो चले अब नेक्स्ट ईयर पर, हमने सेकेंड ईयर तक काम कर लिया, अब थर्ड ईयर पर आने के लिए देखें, पहले चलो पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अच्छा डेट क्या है ओपनिंग बैलेंस के लिए, 1/4 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ऑपनिंग बैलेंस है हमारे ये M1 और M2 के। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है क्योंकि वर्किंग नोट ना बनाकर हम यही कर रहे हैं सारा काम। ठीक है, बट ये इजी है, काफी जगह पे आपको फायदा मिलेगा इस तरीके से। 1,80,675 और 88,750 टोटल हमने निकाला हुआ है पहले से ही, 2,69,375। ठीक है जी, चलिए अब देखिए थर्ड ईयर में क्या हुआ है हमारे पास। आइए थर्ड ईयर की टाइमलाइन में, हमने 1 जनवरी को एक मशीन M1 तो बेच दी 20,000 के नुकसान पर और M3 खरीद ली 40,000 में। आइए 1 जनवरी 2013 की बात करें, तो हमने जो मशीन खरीदी है उसे मैं यहां लिख दूं, 1/1/13 को टू बैंक, थर्ड मशीन है तो नाम दे देता हूं M3, कितने में खरीदी, 40,000 में। ये खरीदी वाली चीज एक ही थी, इसे लिख दिया। अब 1 जनवरी को हमने M1 को 20,000 के नुकसान में बेचा है, तो उसका ट्रीटमेंट करें। 1 जनवरी 2013 को पहले तो M1 को बेच दिया, तो उसकी डेप्रिसिएशन निकालें, बाय डेप्रिसिएशन M1 का। M1 देखो हमारे पास बैलेंस है M1 का 1,80,625 रुपए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, बट हमें कितने दिन के लिए चाहिए, हमें चाहिए ये हमारे पास 1 जनवरी तक रही है, यानी 9 महीने रही है इस साल हमारे पास मशीन,
तो 9/12 कर दिया। जरा मुझे बताओ, 1,80,625 को 15% निकालो, फिर उसे 9/12 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। हाँ जी मुझे बताइए कितना अमाउंट आएगा, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। हाँ जी जल्दी बताइए कितना अमाउंट बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं बेटा, 20,320 रुपए पक्का पॉइंट में आ रहा है, आपने राउंड ऑफ करके बताया है, आ कितना आ रहा है पहले वो बता दो आप, कितना 20,320 रुपए .330, ठीक है। तो आप .3 है तो उसे राउंड ऑफ करके 320 ही रख लो, हम अमाउंट लिख देंगे यहाँ 20,320, क्योंकि पॉइंट को तो लिखने का फायदा नहीं है, कामा का कैलकुलेशन परेशान करेंगे हमें, हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया इस अमाउंट को। आइए हमने डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन ने हमें बताया है हमें लॉस है, लॉस ऑन सेल हुआ है, ठीक है, या फिर आप पीएनएल में ट्रांसफर करो इस अमाउंट को M1 पर, कितना 20,000 का लॉस हुआ है। तो हमें अब निकालना है कि कितने में हमने मशीन बेची होगी, तो ये इजी है निकालना। देखो हमारे पास मशीन थी 1,80,625 की, जिसमें से हमने कुछ डेप्रिशिएट कर दिया, बाकी नुकसान हुआ, तो बाकी हमारे पास क्या आ गया, रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास आ गया, वो पैसा आ जाएगा, कैश आ जाएगा, हम उसे बैंक में ले लेंगे। आइए बैंक कितना आया एम1 के कारण, ये देखें, ये आएगा हमारे पास 1,80,625 -20,320 -20,000, ठीक है जी। तो कितना आएगा अमाउंट जरा मुझे बताओ आप लोग ये, ताकि हम इस अमाउंट को लिख पाए। हाँ जी बताइए कितना बता रहे हैं, कितना 1,40,305, 1,40,305 रुपए बता रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये हमें क्या है, जो पैसा रिसीव हुआ है, ये बैलेंसिंग आ गया ना, 1,80,000 की चीज थी, उसमें जितने का नुकसान हुआ तो घट गई वैल्यू, डेप्रिसिएशन तो हुआ घट गई वैल्यू, रिमेनिंग जो अमाउंट बचा है जो हमें रियलाइज हुआ है उसे बेचने पर, ठीक है, क्योंकि 20,000 का नुकसान हुआ। चलिए M1 का हिसाब हो चुका, M1 को हमने पूरा खत्म कर दिया, डेबिट में 1,80,625 था, क्रेडिट में भी 1,80,625 हो गया, इन तीनों को जोड़ेंगे आप, तो इन तीनों को जोड़ दो 1,80,625 आ जाएगा 625, ठीक है। चलिए अच्छा इसके बाद अब ईयर एंड पर चले, और कोई ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं है, तो ईयर एंड पर M2 और M3 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ईयर एंड होगा हमारा 31/3/13 को, ठीक है जी, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ जी आइए M2 और M3 के लिए निकालेंगे, M1 तो है नहीं ना अब, हाँ M2 का हमारा बैलेंस है 88,750 रुपीज, चलिए इसका 15% निकाल दो और मुझे बताओ। इधर अगर M3 की बात करें तो 40,000 का 15% निकालो, बट कितने दिन के लिए, ये मशीन हमारे पास इस साल केवल 3 महीने रही है, तो 3/12 कर देंगे, 3/12। चलो ये दोनों कैलकुलेट करके मुझे बताओ आप कितना अमाउंट आ रहा है। हाँ जी मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, बताइए बता रहा है कोई बच्चा, जल्दी कैलकुलेट करो, पहले M2 का मुझे बता दो, 88,750 का 15% कितना बता रहे हैं, 13,312.5, तो 0.5 को रहने दो, राउंड ऑफ कर लेते हैं, केवल 312 लिख ले। हाँ जी चलिए लिखें 13,312 लिख ले। अच्छा M3 का और बताओ मुझे, M3 का कितना बता रहे हैं, 1,500 रुपए, ये आ गया। चलो अब इन दोनों को टोटल कर लो, ये आ गया हमारे पास 14,812, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं आप राउंड ऑफ में, नहीं वो आपकी वैसे कितना 0.5 है ना, 0.5 है तो वैसे करना तो 3 चाहिए था, इसे 313 करना चाहिए, तो 313 लिख देता हूं, ये लीजिए 313 करेंगे तो यहां पर भी 13 रुपए आ जाएगा। चलिए अच्छा इसके बाद हम क्या करें, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें, बाय बैलेंस करंट डाउन। आइए क्लोजिंग निकालें M2 और M3 का, डाउट तो नहीं है ना, M1 का क्यों लिख रहे हैं, M1 को हम बेच चुके हैं। देखिए हमारे पास 88,750 की मशीन थी, जिसमें से डेप्रिशिएट हो गया 13,313, और इधर हमारे पास 40,000 की चीज थी, जिसमें से डेप्रिशिएट हो चुका है 1,500 रुपए, तो बताइए कितना अमाउंट बचेगा। बस M3 का मैं बताता हूं, M2 का आप निकालिए सॉरी हाँ जी, तो ये आ गया 38,500। अच्छा M3 का बताओ, नहीं सॉरी M2 का बताओ, M2 का कितना आ रहा है, कितना बता रहे हैं, 75,437। चलिए
अच्छा इन दोनों का टोटल भी कर लो अब जरा, टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, कितना बता रहे हैं, 113,937, 113,937 रुपए आ रहा है जी। चलिए ठीक है, अच्छा तो अब एक आखिरी साल पर है, अब इन दोनों को क्लोज करें, ये हमारा अकाउंट इस साल का यहां है, इधर हमारे पास बनता है 169,375 प्लस 40,000, तो कितना आ गया हमारे पास, इसको टोटल करो कितना बता रहे हैं, 309,375, 309,375 आ गया डेबिट साइड का टोटल। अच्छा अच्छा क्रेडिट साइड पर भी आ जाइए, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, इनको टोटल करो, ये तो तीनों का तो टोटल कर ही रखा है, 186,625 प्लस 813 और 113,937, इन सबका टोटल करो और मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, यही आ रहा है 309,375, ठीक है 309,375 रुपए। चलिए ठीक है, तो ये हमने टोटल कर लिया और हमारे तीनों साल भी खत्म हो गए जो क्वेश्चन ने मांगे थे। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूं, अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाए हमने इस क्वेश्चन में, हमने जो भी वर्किंग नोट थे, जो भी कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन में ही आपको अकाउंट में कैलकुलेशन करके दिखाई है, आप चाहें तो इन्हें अलग से वर्किंग नोट बनाकर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी देखिए, आपके पास पहले ईयर का अकाउंट आपके सामने है, उसके बाद सेकेंड ईयर भी आपको दिख ही रहा है यहां पर, ये आपका ईयर वन है, यहां से यहां तक ये क्या है, ईयर वन है, फिर यहां से यहां तक आपका क्या आ गया, ईयर टू आ गया, और ये लास्ट हमारे पास है ईयर थ्री। ईयर थ्री थोड़ा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे सेल वगैरह हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा चीजें आ गई, ये ईयर थ्री आ गया आपके पास। चलिए जी, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ठीक है।